अस्सलामुअलैकुम। मैं जुल्फ़िकार शेख इस्लामिक अवेकनिंग की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लिंक को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और मैं सबको वेलकम करता हूँ इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे। आज का प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं पिनास पर है। बिना त्यागी क्या कहता है इसका इस्लाम, वो टॉपिक भी आपको पता चल गया होगा कि काफिर को जहां मिलो, काफिर जहां मिले उसको कत्ल कर दो। तो इस सिलसिले में ये आज प्रोग्राम किया जा रहा है जो हमारे भाई अली रजा हुरम इसको पेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बिनाज त्यागी जो है वो अपनी जो कारस्तानियां हैं उससे बाज नहीं आएगी, कुछ ना कुछ करती रहती है। आज के प्रोग्राम में भी उसने कुछ किया है, तो इस सिलसिले में हम अली भाई को वेलकम करेंगे कि बकायदा से इस प्रोग्राम को शुरू करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो हम आज बंदों को भी ले सकें और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। ये बिस्मिल्लाह जनाब, हमारे साथ अली रजा भाई जुड़ चुके हैं, फ्रैंकफर्ट भी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं इन दोनों भाइयों को वेलकम करता हूँ कि वो आए तो हम इस प्रोग्राम को बाकायदा से शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे वाले दिन पिनाज त्यागी के बारे में होता है जो ये अपनी गुफ्तगू करती है अपने गेस्टों को लेके, और जिस तरह करती है वो आप सब जानते हैं। इसी तरीके से आज इसने ये एक प्रोग्राम किया है, सच वाला खच वाला, और एक दूसरे इस्लामिक स्कॉलर थे उनके साथ, कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। क्या ये हकीकत है या हकीकत नहीं है, इसके बारे में हम आज अली रजा भाई के से पूछेंगे कि क्या इसमें सच्चाई क्या है। तो जी बिस्मिल्लाह अली रजा खुर्रम साहब, वेलकम, आइए और हमें बताइए कि क्या कहता है कुरान इस्लाम, कि वाकई ही जहां मिले काफिर उसको कत्ल कर दें या कि ये झूठ है। जी बिस्मिल्लाह। जी जुल्फकार अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फ्रैंकफर्ट साहब भी जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने अहबाब हमारे साथ इस वक्त कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं, मैं तमाम का शुक्र गुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको जजाय खैर दे। जी जुल्फकार अशरफ साहब, मैंने ये प्रोग्राम देखा है जिसके अंदर इसने ये प्रोपोगंडा किया है कि एक आदमी जिसको जिसका नाम इसने सच वाला रख दिया है, और ये समझती है कि सच वाला नाम रखने से अगर वो झूठ भी बोलेगा तो वो सच काउंट करेगी दुनिया, तो ये इसकी बेवकूफ़ी है। बहरहाल, मैं कबल इससे कि मैं कुरान हकीम की उन आयात का तذکرہ करूँ जहाँ जो वहाँ पर डिस्कस की गई, और जो वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम तो सच वाला है लेकिन जो उसने धड़ल्ले से झूठ बोला, उससे पर्दा उठाऊँ। उससे पहले सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मिस पिनाज त्यागी साहबा जो हैं, मुझे तो नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन नए नए जो उनके उनके कर्तव्य हैं, उनके जो करतूत हैं, वो खुल के सामने आ रहे हैं। दूसरे लफ्जों में, उसका जो करेक्टर है, उसकी जो मेंटेलिटी है, मैं तो उससे बड़ा हैरान हूँ। वो जो सो कॉल्ड अलामा साहब थे, मैं तो नहीं जानता कि वो कोई अलामा साहब है या स्कॉलर है। अगर वो होते तो मैं एक स्कॉलर ना होते हुए भी जानता हूँ कि सच वाला जो है झूठ बोल गया उसके सामने और उनको पता नहीं चला। खैर, मैं उन पर बात नहीं करता। उन्होंने एक एतराज़ ये किया कि मैंने त्यागी साहबा, मैं सिर्फ आज इसलिए आया हूँ कि मैं ये क्लियर कर दूँ, मैं तो सिर्फ क्लैरिटी के लिए आ जाया हूँ, वरना मैं आपके शो पे ना आता। वजह यह है कि मैं इसलिए आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ पब्लिक को कि मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था जिसमें आपने गाय की कुर्बानी पे शायद को प्रोग्राम किया था, तो मेरे जाने के बाद मेरी उस रिकॉर्डिंग को आपने लगाया और टाइटल नीचे लिख दिया, मुसलमान इसलिए खाते हैं बीफ ताकि हिंदुओं को हो तकलीफ। तो वो कहते हैं कि मैंने त्यागी साहबा कब ये बात कही है कि मुसलमान इसलिए बीफ खाते हैं? आपने मेरी तस्वीर के साथ ये टाइटल लगा के यहाँ पर उस वीडियो को वायरल किया, इसका क्या मकसद था? त्यागी साहब, आप मुझे बता दें। वो कहती हैं क्योंकि ये शो मेरा है, ये प्रोग्राम मेरा है, मैं जो भी टाइटल रखूँ मेरी मर्जी। बड़ी बदबख्ती की बजाय ये कि शर्मिंदा होने के, वो कहे कि पहले इस बात को क्लियर करें कि मैंने ये बात नहीं की है, और आपने ये टाइटल लगा के यहाँ पर दरअसल हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने की कोशिश की है, इस पे माजरत करें, मैं फिर आपके साथ बात करता हूँ। वो कहती है जी आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा है इसलिए मैं जो चाहूंगी मैं वो करूँगी। बड़े अफसोस वाली बात है मिस त्यागी,
कि अखलाकियात का तुम्हारे अंदर ये म्यार आ गया, मुझे पता चल गया जो जो इस्लाम मुखालफ है दरअसल उसकी हकीकत क्या, उसका किरदार क्या है। इससे ये समझ आ रही है, मुझे नहीं लोगों को भी समझ आ रही है कि दरअसल जो इस्लाम की मुखालफत करता है उसका किरदार क्या होता है। इस हद तक आप घटियापन का मुजाहरा कर रही हो कि एक बंदा सामने बैठ के आपको ब्लेम कर रहा है और आप मान भी रही हो कि ये आपने ज्यादती की है, लेकिन साथ ये कह रही क्योंकि मेरा चैनल है, मेरा प्रोग्राम है, इसलिए मेरी मर्जी। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, कम अज कम आप वहां पर शर्म महसूस करती और माजरत करती उससे, लेकिन आपने माजरत की बजाय उसे ये धमकाया कि फिर निकल जाए आप जाना चाहते। तो उसने कहा जाना तो मैं चाहता हूँ, मैं तो यही बात क्लियर करने के लिए हूँ, अलबत्ता मैं आपके साथ ये प्रोग्राम भी करूंगा ताकि मैं आपको जवाब दे के जा सकूँ। ये एक ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, इसने उस जो भी वो स्कॉलर थे या इन्होंने सो कॉल्ड बनाए हुए थे उनके नाम के साथ ये जो टाइटल लगा के मुसलमान खाते हैं इसलिए बीफ ताकि हिंदुओं को हो तकलीफ, ये त्यागी साहबा ने जो उसके साथ ड्रामा किया उन्होंने वहाँ पर वो एक्सपोज किया और त्यागी साहबा ने इस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं की। शर्मिंदगी वो महसूस करता है जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई शय हो, वो किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो, वो कोई भी इंसान हो, लेकिन जिसके अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज़ हो वो ऐसा काम करता है, उससे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जिसने इस्लाम के खिलाफ कमर बांध ली हो उसकी इंसानियत का अंदाज़ा लोग इसी तरह लगाएंगे कि दरअसल उनका किरदार क्या है। अच्छा, फिर एक और इसने काम किया, त्यागी ने देखा कि बात नहीं बन रही, मैंने इतना प्रोपोगंडा किया, बजाय ये कि लोग इस्लाम से नफरत करते, लोग तो बल्कि हिंदू भी जो हैं वो भी इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और जो है वो इस्लाम को कबूल करने लगे। पहले भी यहाँ पर यही हुआ था, मैंने आपको बताया था कि पहले भी यहाँ पर यही हुआ था, यहाँ पर ये हिंदुस्तान में हिंदू ही रहा करते थे, लेकिन आज जितनी, इसीलिए तो ये घर वापसी का भी नारा लगाते हैं, घर वापसी कभी नहीं होगी। इस तरह के धर्म के अंदर जो आपके करतूत हैं, खुसूसन आपके जो किरदार हैं, और फिर आप झूठ का सहारा लेके इस्लाम को बदनाम करेंगे तो इस्लाम को उससे फायदा ही होगा। इसने जब देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा तो मैं एक और हरकत करूं, इसने एक अजीब हरकत की, मैं इसकी उस हरकत से बड़ा हैरान हूं। इसने जब देखा कि मेरा ये प्रोपोगंडा किसी हद तक फेल हो रहा है, इसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो चलाई और उसका पूरा क्लिप चलाने की बजाय उसका एक आधा हिस्सा चला के कहा, देखा जी जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है जहां पर भी काफर मिले उनको कत्ल कर। अब जाकिर नाइक गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं, ये पूछ रही है, सवाल इनका ये था दरअसल, त्यागी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने वो हरकत की कि वो क्लिप जो कह रही हूँ ना कि वायरल हो रहा है, कहाँ पर वायरल हो रहा है? त्यागी साहबा, जाकिर नाइक साहब का वो क्लिप पहले ही वायरल है, लेकिन पूरा क्लिप वायरल है, ये जो आपने बीच में से ये एक हिस्सा निकाला है ये वायरल नहीं है। कहाँ पर वायरल है भाई? वहां पर जो सामने बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी कि आप जाकिर नाइक साहब का ये पूरा क्लिप सुना दें, मैं इस पे जवाब देता हूँ, अदरवाइज मैं कैसे कंडम करूं क्योंकि आपने पूरा क्लिप ही नहीं चलाया। तो 10 से 15 मिनट की बहस के बाद त्यागी साहबा यहां तक पहुंची कि भाई मुझे तो इतना ही मिला, मैं तो जानती नहीं हूँ, हालांकि इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी दफा इसके अपने चैनल पर पहले भी बात हो चुकी है। तो इसने बकरी बनने की कोशिश की वहां पर कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो भेड़ हूँ, मैंने तो बस ये देखा जी उड़ता आ गया। तो भाई तुम एक जुमादार खतून अगर होती तो फिर इतने पे इक्तफा ना करती, फिर तुम देखती कि जब क्लिप इतना है ही नहीं, खत्म वहां पर हो ही नहीं रहा, ना शुरू वहां से हो रहा है, तो तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई है। तुमने पब्लिक के सामने वो गलत बात पहुंचाने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब कबल इसके कि हम उस बात की तरफ चलें, उन आयात की तरफ चलें, मैंने आपको एक वीडियो सेंड की डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, काइंडली वो प्ले करें ताकि पब्लिक को पता चल सके कि दरअसल वो पूरा क्लिप था क्या। जी अली भाई, मैं चलाने से पहले सिर्फ एक इधर सवाल रखना चाहता हूँ कि इसने ये हरकत करने की कोशिश क्यों की, इसके पीछे इनका एजेंडा क्या था? देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि जो जब आप क्लिप चलाएंगे, ये क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये फसाद करना चाहती है? जी बिल्कुल, ये फसाद करना चाहती थी इसलिए इसने ये हरकत की, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का खास तौर पर हवाला इसने जानबूझ के दिया और फिर उतना से क्लिप काट के ताकि हिंदू मुश्तल, ये चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें झगड़ें, सिर्फ ये इसका मकसद था, बाकी मुसलमान बेवकूफ थोड़ी हैं। मुसलमान और हिंदू धर्म के अंदर बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके जो जितने भी हिंदू हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी कोई धार्मिक किताब आपके घर में मौजूद है, तो वो कहते हैं नहीं, और जिनकी अपनी किताब उनके घर में नहीं है वो किसी और धर्म की किताब कहाँ से ला के उसको स्टडी करके कोई फैसला कर सकते हैं, इतनी सेंस तो नहीं है। एजुकेट करने की बजाय अपनी कौम को ये उनको इस तरह की बातें दिखा के उनको मुश्तैल करना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान है तो मुसलमान इसके प्रोपोगंडे में कैसे आएंगे? मुसलमानों के घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम मौजूद हैं, फिर उनके स्कॉलर्स मौजूद हैं जो रिफॉर्म नहीं करते,
जो सिखाते हैं, जो समझाते हैं। जी अली भाई, मैं अब वीडियो को प्ले करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम गुफ्तगु आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ फ्रैंकफर्ट साहब हैं, अगर वो कुछ बात ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज। नहीं जुल्फकार साहब, थैंक यू। आप अली भाई का जो क्लिप उन्होंने भेजा है वो चलाएं, उस पर बात करें, मैं फिर इंशाल्लाह उसके बाद फ्रैंकफर्ट साहब, मेरा जो ख्याल है कि इस्लाम कुछ में। आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है सर, आप लाजमी हमारे साथ शेयर करें। मैंने ये दो चीजें आपकी खिदमत में रखी है कि एक प्रोग्राम देखा क्या आवाज फ्रैंकफर्ट साहब। बेहतर है? हाँ, मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगी, लेकिन ना एक दफा मैं दोबारा आपको मुख्तसर बता दूं कि हमने एक प्रोग्राम देखा है त्यागी साहब का, उसमें इन्होंने कलामा साहब को बुलाया मैं हुआ सुन था। रहा हूँ, मैंने सुना है, मैं सारा सुन रहा हूँ। मैं पहले पहले लफ्ज से साथ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जी कि जी आपने जो जो क्लिप चलाना है वो चलाएं। मैं, मुझे अगर इजाज़त देंगे तो मैं 2-4 मिनट में इस्लाम में जो जिहाद का कानून है, तलवार उठाने का कानून है, मैं उस पे कुरान पाक के हवाले से 2-4 याद रखना चाहूँगा। जी जी लेकिन यानी जिहाद का कानून क्या है और फिर इसका इजाज़त कब मिलती है और इसके बारे में हुक्म क्या है कि फिर आपने किस तरह जिहाद करना है और ये किस तरह की एक जिम्मेदारी है, तो जी इस बिल्कुल हवाले से मैं बात करूंगा। आप करें, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जजाकल्लाह। चलिए, ठीक है, जजाकल्लाह। जी जुल्फकार अशरफ साहब, काइंडली। कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ, और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है रोकिएगा जी। लेकिन इसने लफ्ज लेकिन से पहले वाला हिस्सा लेकिन इन लफ्ज लेकिन नहीं कहने दिया और शुरू से के ये अक्सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट करते हैं। ये दोनों हिस्से काट के बीच वाला एक हिस्सा निकाल के कहा कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट कुरान में लिखा हुआ है कि जहां काफिरों को पाओ कत्ल करो, बिल्कुल इस्लाम यही कहता है, कुरान में यही लिखा हुआ है। ये इतना सा सेंटेंस इसने अपने चैनल पर चलाया, अब इसको कंप्लीट चलाइएगा, दोबारा शुरू से चलाइएगा। बिल्कुल, सॉरी एक मिनट। पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुबहाना व ताला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं, जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आम तौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए, आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आम तौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो,
जहाँ भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो, तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते। लेकिन कई बार दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते। अच्छा जी, मैं नाजरीन को बताता चलूं कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बात की थी, इन्होंने इसमें से एक क्लिप चला के अपनी बद्दयंती का इजहार किया। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अपने किरदार का इजहार किया कि इस्लाम मुखालफ लोग जो होते हैं, जिनकी जुबानें इस्लाम के ऊपर दराज होती हैं, दरअसल वो किस जर्फ के लोग होते हैं, वो कौन सा जर्फ रखते हैं, उनका कौन सा जमीर होता है, ये ऐसे बेजमीर लोग हैं। दरअसल ये अपनी नकाब में खुद उलट रहे हैं इस्लाम दुश्मनी में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम दुश्मन दरअसल किस किरदार का मालिक हो सकता है, और ये अपने मुंह से खुद ही पर्दे हटा हटा के त्यागी साहबा बता रही हैं। और एक पहलवान साथ में उन्होंने बिठाया हुआ था जिसका नाम इसने सच वाला रखा हुआ है। और भाई, नाम रखने से, एक बंदा जो है झूठ बोलता हो तो उसका नाम सच रखने से बात सच तो नहीं हो जाएगी। उसने इतना बड़ा झूठ बोला है कि हद कर दी उसने झूठ की। वो कहते हैं कि भाई इसको विद कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, यहाँ पर बात मायदे की है, मायदा तोड़ा था। वो जो भी स्कॉलर थे उन्होंने वहाँ पर आयात तो नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने रेफरेंस ठीक दिया कि अगर आप इसको पीछे देखें, इसे आगे देखें, तो यहाँ पर बात मायदे की हो रही है। ये उन कुफार की बात हो रही है जिनके साथ जंग होगी, और जंग के अंदर उनको जहाँ पर पाएंगे कत्ल किया जाएगा। ये तो उन कुफार की बात है जिन्होंने मायदा तोड़ा था। तो जनाब त्यागी साहबा की गोद का फायदा उठाते हुए इस गलत खबर को हिंदुओं के अंदर दरअसल डिलीवर करने के लिए सच वाला साहब कहते हैं, आयत नंबर 1 देख लें, आयत नंबर 2 देख लें, आयत नंबर 3 देख लें, आयत नंबर 4 देख लें, आयत नंबर 5 देख लें, आयत नंबर 6 देख लें, इनके अंदर कोई मुआहदे का जिक्र नहीं, मुआहदे की बात ही नहीं। फिर उन्होंने एक पार्टिकुलर आयत जो है उस खच वाला ने पकड़ी, कहता जी इसके अंदर कहां पर लिखा हुआ कि जिन्होंने मुआहदा तोड़ा था। उल्लू के पट्टे एक सेंटेंस के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं, तुझे इतनी सेंस नहीं, और फिर ये कह रहे हो कि कुरान को फिर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था जैसे तुम्हारी मर्जी से नाजल होना था कुरान पाक। ओए बदबख्त, तू वो वक्त भूल गया जब तुमने वो सूरतें लिखी थी, और जब तुम्हें मैदान में बुलाया गया तो वहां पर तेरी टांगे कांप रही थी, और तू कह रहा था अब मैं बच्चा 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 दूध पीता बच्चा, वो वक्त तुझे भूल गया है खच वाले। तू जहाँ वहां पर जाके ये बताता कि तेरी औकात ये है कि अपनी लिखी हुई सूरत में तेरी टांगे कांपती हैं, और तू कहता है मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ, मैं तो फीडर पीता हूँ, मैं तो जाहले मुतलक हूँ। तो तेरी औकात ये है कि तू ये कहे वहां पर बैठ के, तुझे ये किसने अथॉरिटी दी है कि तू कुरान की आयतों के बारे में ये फैसला करे कि इस आयत में ऐसा होना चाहिए था, इसमें वैसा होना चाहिए। तो इससे आगे ना आगे ना पीछे कहीं पर हद का जिक्र नहीं। झूठों पर खुदा की लानत। और त्यागी, ये काम तेरी गोद जो है इस मामले में बड़ी जरखेज है, झूठ को फैलाने के लिए तेरी गोद बड़ी जरखेज है, और तेरे पहलवान जो है तेरी गोद में पूरा फिट आते हैं कि भाई ठीक है आज मौका मिला कि हम ये झूठ फैलाएं। तो मैं पब्लिक को बताता चलूं कि इस जैसे लोगों, इन जैसे घटिया लोगों की जो मेंटेलिटी है वो आपके सामने अभी मैंने रखी है क्लिप चला के, उस क्लिप की सूरत में अब मैं आपको विद कॉन्टेक्स्ट ये आयात पढ़ के सुनाता हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये आयात नाजिल हुई हैं सूरह तौबा के अंदर, जो पहली 5 आयात हैं ये खास कॉन्टेक्स्ट में ही नाजिल हुई हैं, और तमाम मुसलमान अहबाब ये जानते हैं कि सुलह हुदैबिया के नाम से एक सुलह हुई थी। उस सुलह के अंदर जंग बंदी थी, 10 साल के लिए मुआहदा था कि जंग नहीं की जाएगी, एक दूसरे के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, बल्कि लेन देन और दूसरे मामला जो हैं वो ठीक तरीके से तय किए जाएंगे। मैं सिर्फ एक शिक की बात कर रहा हूँ कि जंग नहीं की जाएगी, और जो कबाइल जो हैं अरब के अंदर मौजूद, मक्का के अंदर और मदीना के अंदर जो कबाइल इर्द गिर्द मौजूद है, मक्का और मदीना के इर्द गिर्द, उन कबाइल का जिसके साथ चाहे वो इलाक कर लें, वो रसूलुल्लाह के साथ इलाक चाहते हैं तो वो रसूलुल्लाह के साथ कर लें, वो मुशरकीन मक्का के साथ अगर चाहते हैं इलाक करना तो उनके साथ कर लें। मतलब ये इस तरीके से होगा ताकि वो कबाइल भी लड़े झगड़े नहीं। तो हुआ ये कि ये मुआहदा हो गया, और मुआहदे के बाद क्या हुआ कि मुआहदा ये इन्होंने थोड़ा, जैसा कि जाकिर नाइक साहब फरमा रहे थे, और ये अगर आप कॉन्टेक्स्ट, मैं कॉन्टेक्स्ट भी आपको आयात के साथ भी पढ़ के सुनाता हूँ। हुआ ये कि हुदैबिया की बिना पर, जो सुलह हुदैबिया के नाम से जो वायदा हुआ था, तो उसकी बिना पर कबाइल अरब में खजाआ, एक कबीले का नाम था खजाआ, वो अनहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हो गए थे, और कुफार के हलीफ बनू बकर नामी एक कबीला था, वो जो है उन्होंने क्रैश के साथ अपना वायदा कर लिया। लेकिन इन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे, ये कबाइल सदियों से जो है आपस में लड़ते आ रहे थे। तो जब इस्लाम का ज़ुहूर हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, तो सारा जोर जो है मुशरकीन का और सब का इधर हो गया, इनकी आपस की लड़ाइयाँ कुछ बंद हो गईं।
लेकिन जब सुलह हुदैबिया हुई और मुशरकीन की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाइयाँ जो हैं उनसे कुछ इत्मीनान हुआ, तो ऐसा हुआ कि बनू बकर जो थे ना, जिन्होंने मुआहदा किया, जो हलीफ बने थे इनके कुरैश मक्का के, उन्होंने कहा कि अब इंतकाम का वक्त आ चुका है। हालांकि ये मुआहदे के अंदर सारी बातें और शिकें शामिल थीं कि ये एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बनू बकर ने जब ये फैसला किया, और इन्होंने फिर ना सिर्फ फैसला किया, इन्होंने रात के अंधेरे में जब बनू खुदा वाले सो रहे थे, इन्होंने उनके ऊपर हमला किया, और इसके अंदर एलानिया मदद की कुरैश मक्का ने, और इनके सरदारों में अकरमा बिन अबी जहल था, सुफान बिन अमैया था, सुहेल बिन उमरू था। इन्होंने रातों को अपनी सूरतें बदल बदल कर मतलब जाके बनू बकर का साथ दिया और तलवारें चलाई, वहां पर इन्होंने कत्लेआम किया, इन्होंने खून की होली खेली। अब जब ये मामला पेश आता है तो क्या करते हैं ये खुदा वाले जो हैं, ये आ जाते हैं हरम के अंदर, पनाह ले लेते हैं, हरम को बड़ा समझा जाता है, तो ये हरम के अंदर आ जाते हैं, यानी कि खाना काबा की पनाह में आ जाते हैं। वहां पर क्योंकि अरब भी ये समझते थे कि भाई यहाँ पर ये पाक जगह है, ए खुदाया मतलब खुदा को पुकार रहे थे, मैं मोहम्मद को वो वादा याद दिलाऊंगा, ये खुदा वाले कह रहे थे, जो हमारे और इनके कदीम खानदान में हुआ है, ए पैगंबर खुदा हमारी आनत करो और खुदा के बंदों को बुलाओ, सब आनत के लिए हाजिर हूं। तो ये जब ये वाक्या पेश आया, उन्होंने वहां पर भी ये कहा, उसके बाद खुदा के कुछ लोग तकरीबन 40 सवार के करीब थे, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, और उन्होंने आके फरियाद की, और उन्होंने सारा माजरा सुनाया कि भाई इन्होंने तो अब हरम का भी लिहाज नहीं किया, तो वो मुआहदा कहाँ गया जो मुआहदा हुआ था, तो हमारे साथ ज्यादती हुई। तो जब ये चीज़ें हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये काफिला पहुंचा और ये उन्होंने खबर दी, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जो है कुरैश के पास काफिला भेजा और उनके सामने फिर से तीन शर्तें रखी। नंबर एक ये शर्त थी कि मकतूलों का खून बहा दिया जाए। नंबर दो, कुरैश बनू बकर की हमायत से अलग हो जाए। नंबर तीन, ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया है। तो कुर्तबा बिन उमर ने कुरैश की जुबान से कहा कि सिर्फ तीसरी शर्त मंजूर है, यानी कि ना हम मकतूलों का खून बहा देंगे और हम पूरी सपोर्ट करेंगे बनू बकर को, यानी कि जिन्होंने कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म किया था उनको हम पूरी सपोर्ट करेंगे, हम उनकी हमायत करेंगे, हम आप सुलह हुदैबिया का मुआहदा समझेंगे, टूट गया। ये था बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आयात की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके पीछे पस मंजर ये था। तो अब मैं आता हूँ सूरा तौबा की आयत नंबर 1 की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है उन मुशरकों की तरफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। आपका पहलवान त्यागी मोहतरमा आपकी गोद में बैठ के गया कि मुआहदे का जिक्र ही नहीं, आयत नंबर 1 से लेके आगे तक। हालांकि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें तो उसमें बार बार मुआहदे का जिक्र है, खुसूसन पहली 12 आयत अगर आप पढ़ें उनके अंदर, एक आयत छोड़ के दूसरी या तीसरी आयत के अंदर फिर मुआहदे का जिक्र है कि किस मुआहदे की बात कर रहे हैं। अब ये देखें सूरह तौबा की आयत नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल गया कि क्या किया गया था, क्या मुआहदा उन्होंने तोड़ा, किस तरीके से उन्होंने खून खराबा किया और किस तरीके से बंदगाने खुदा रसूल अल्लाह के पास पहुंचे और फिर रसूल अल्लाह ने उनको क्या तजवीज़ किया। वो कहते हैं भाई मुआहदा टूटा हुआ समझे, हम इन जालमों का साथ देंगे। तो इसके जवाब में ये आयात नाजिल हुई, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान बेजारी है उन मुशरकों की तरफ जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। ये थी आयत नंबर 1। आयत नंबर 2 है, पस तुम लोग इस मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। ये वो आयात थी, 5 आयात टोटल थी। पहले मैं 2 का पस मंजर बता दूं, ये 5 आयात हजरत अली लेके गए थे और कुफार को जाके ये 5 की 5 आयात खुदा और खुदा के रसूल की तरफ से ये पैगाम दिया था कि तुम्हारे पास मोहलत है 4 महीनों की, क्योंकि तुमने खुद कहा कि वो मुआहदा भी टूट गया और हम किसी बात पे नहीं आते और हम बनू बकर की सपोर्ट भी नहीं छोड़ेंगे। तो हजरत अली ये 5 आयात लेके गए थे जिसमें ये बता दिया गया कि हम रात को शब्बे खून नहीं मारेंगे, आपके पास 4 महीनों की मोहलत है, जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे और अल्लाह काफरों को रुसवा करने वाला है जिन्होंने ये करतूत की थी। अब आयत नंबर 3 में आए, और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन लोगों के लिए ऐलान है कि अल्लाह और उसका रसूल भी मुशरकीन से बेजार है, और पस अगर तुम तौबा कर लो, यानी कि जो तुमने ज्यादती की है उससे पलट आओ, पस अगर तुम तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुंह फेर लोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और काफरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। इस आयत में भी दोबारा अपील की गई कि तौबा करो, इस बात से मुड़ो,
चार महीने आपके पास हैं, सोच समझ लो। अब आयत नंबर चार में आ जाइए। अलबत्ता जिन मुशरकीन से तुम्हारा मुआहदा था फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कसूर नहीं किया और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ जिस मुद्दत के लिए मुआहदा हुआ है उसे पूरा करो, बतहकीक अल्लाह अहले तकवा को दोस्त रखता है। ये वो आयत है, और तारीख को उठा के देख लें कि मुशरकीन के दो से तीन कबाइल और मौजूद थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा नहीं तोड़ा था, वो मुशरिक ही रहे रसूलुल्लाह की जिंदगी तक, और उनके ऊपर कोई मामला नहीं किया गया, ना उनसे जंग की गई, क्योंकि वो अपने वायदे पे कायम थे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये तकवा के करीब है कि जिन्होंने नहीं तोड़ा उनके साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, और दूसरे जिन्होंने तोड़ दिया उनको चार माह की मोहलत दे दी। अच्छा, आयत नंबर पांच में आ जाइए। बस जब हुरमत के महीने गुजर जाए तो मुशरकीन को तुम जहां पाओ, यानी कि जिन्होंने वो ऐद शिकनी की थी, अब उनको जहां पर पाओ उनको तुम कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो और हर घात पर उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें, फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें, जकात अदा करें, तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है। कुतुब तवारीख में आया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मजीद पैगाम भेजा कि भाई आपके पास चार महीने हैं, जैसा कि चार महीनों का पीछे जिक्र आ गया, अल्लाह ने कहा था कि चार महीने, तो इन चार महीनों के अंदर या तो ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, या जंग की तैयारी कर लो, या मुसलमान हो जाओ। अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हुआ क्या, आप सब अहबाब जानते हैं, मैं एक दफा आयत नंबर छह भी पढ़ दूं, क्योंकि ये कहते हैं कि जी कॉन्टेक्स्ट के साथ भी पढ़ लें तो ना मुआहदे की बात है और ना हो और कोई बात है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में करना क्या, जब जंग हो रही है, जब आप मुशरकीन को जिन्होंने अहद तोड़ा था उनको आप सजा देने के लिए, उनके अहद का जो उन्होंने अपना अहद तोड़ा और खून बहाया उसकी सजा के लिए जब आप उनकी पास पुरुष के लिए गए और जंग होती है, और अगर मुशरकीन में से कोई शख्स, आयत नंबर छह, अगर मुशरकीन में से कोई शख्स आपसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दें ताकि वो कलाम अल्लाह को सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की जगह पर पहुंचा दें। ऐसा इसलिए है कि ये लोग जानते नहीं। अब इस आयत में भी जब अगर मार ही देना था तो ये पनाह क्यों देनी है, जो पनाह मांगता है उसको पनाह दे दें। अब हुआ क्या, फिर जब चार माह गुजर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे हैं मक्का में अपना लश्कर लेके, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने अमान मांग ली। उन्होंने जब अमान मांग ली तो एक को नहीं सबको अमान दे दी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये पहले से अल्लाह का हुक्म था कि अगर ये अमान मांगे तो इनको अमान दे दी जाए, कोई एक भी अगर अमान मांगता है तो उसको अमान दे दी जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अमान दे दी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो खाना काबा के अंदर आ जाए वो अमन में होगा, जो अपने घर के अंदर चला जाए वो भी अमन में होगा, जो अबू सुफयान के घर में चला जाए वो भी अमन में होगा, और आज तुम सबके लिए माफी है, आम माफी है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज तरीन अकारब जिनकी लाश तक की बेहुर्मती की गई, हजरत हमजा की लाश का मुसला किया गया, उनका पेट चाक किया गया, उनका सीना चाक किया गया, उनके कान काट के तो काबा की दीवार के साथ लटकाए थे इन लोगों ने, ऐसे बदबख्त दुश्मनों को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर माफ फरमाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि अगर तो ये लड़ने लग जाए, आपको बताया आप लड़ना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, कर लें, और अगर आपके पास कोई, आप ये इलाका छोड़ के जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन उन्होंने ये तीसरा चौथा रास्ता इख्तियार किया कि उन्होंने पनाह मांग ली, उन्होंने कहा जी हम नहीं लड़ना चाहते। तो इसके जवाब में फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया, तमाम के तमाम को माफ कर दिया। अब मैं आयत नंबर सात में भी आपको लेके जाऊंगा, मैं आगे तक थोड़ा सा आपको सफर करवाना चाहता हूँ अहबाब को, ताकि आप देखें कि किस हद तक ये झूठे लोग हैं, कि अगर मारना ही था, काफिर जहां पर मिलना था, तो ये पनाह किसको देनी। और अहदीस की कुतब में आया है, हजरत अली से रवायत है कि हजरत अली फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक गरीब किसान किसी मुशरक से किसी को कोई पनाह दे देता है, वादा कर लेता है उसे पनाह का, और कोई रईस मुसलमान जाके उसको कत्ल करे या उसको नुकसान पहुंचाए, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। तो आप किस तरीके से, आपकी जुबानें लटकी हुई हैं, फिर आप कहते हैं, आप हमें वो कहते हैं और ये कहते हैं, तो आपको शर्म ही नहीं आती कि आप एक अगली आयत पढ़ लेते हैं, अगर कत्ल ही करना था तो पनाह क्यों देनी। और सिर्फ पनाह नहीं देनी, जब वो पनाह मांग रहा है तो उसको जबरदस्ती मुसलमान भी नहीं करना, बल्कि क्या करना है, क्योंकि ये शोर और हुलड़बाजी किया करते थे, इन्होंने कभी वो आइडियोलॉजी जो इस्लाम की थी सुनी ही नहीं थी। हुक्म ये है कि सिर्फ इनको आपने आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम बतानी है तहम्मल से, अच्छे माहौल में, उसके बाद ये जहां जाना चाहे अमन की जगह पर आप खुद पहुंचा के आए इसको, बेशक ये मुसलमान ना हो। तो अगर मार ही देना था तो अगली आयत में ये क्यों है, और पिछली आयत में ये क्यों है कि इन्होंने जो मुआहदा तोड़ दिया, और जिन्होंने मुआहदा नहीं तोड़ा उनके साथ आप मुआहदे पर रहेंगे। इन आयत से एक चीज सामने आ गई, त्यागी साहबा
वो जो कौम थी जो शरुल बरिया थी वो रात को शब खून मारा करते थे, और उसके जवाब में इस्लाम ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई अब जंग है और चार महीने आपको पहले से टाइम देते हैं, हम शब खून मारने वाले नहीं, हम उनमें से नहीं हैं, हम मिसत्यागी और सच वाला के ग्रुप में से नहीं हैं, हम जालमों में से नहीं हैं, हम इस तरह के फसादियों में से नहीं हैं। ये है इस्लाम की जंग के अंदर भी अखलाकियात। और जिन लोगों के तुम सपोर्ट कर रहे हो और गुनगा रहे हो वो लोग थे जो रातों को हमला किया करते थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये थी जी कॉन्टेक्स्ट के साथ मैंने आपको आयत सुनाई। अब अगली आयत भी सुन लें। अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कोई अहद मुशरकिन के लिए कैसे हो सकता है? बुज उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद अल हराम के पास मुआहदा किया है, बस जब तक वो तुम्हारे साथ इस अहद पर कायम रहें तो तुम भी उनके साथ कायम रहो, यकीनन अल्लाह अहले तकवा को दोस्त रखता है। अल्लाह ये भी कह रहा है। और आपको मजे की आयत मैं और बताता हूँ, थोड़ी देर तक उनका रेफरेंस दे देता हूँ आपको। सूरह मायदा के अंदर है कि अल्लाह ने एक आयत बड़ी खूबसूरत दो आयतें इकट्ठी, अगर तुम इन पे गलबा पालो, मुशरकिन के ऊपर अगर तुम गलबा पालो तो तुम इनके साथ ज्यादती नहीं करोगे। अल्लाह ने कोई सबील नहीं रखी कि तुम इनको कत्ल व गारतगरी कर दो इनको, बल्कि अल्लाह कहता है कि वहां पर अगर ये सुलह की बात करें तो आप इनसे सुलह करेंगे। त्यागी मोहतरमा कहाँ सोई हुई हो? ये हिंदू धर्म नहीं है कि हम कहें कि इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले भी ये पैगाम दिया था कि ये हिंदू धर्म नहीं है। आप इसको अगर समझेंगी देखेंगी तो वो तो जारी बात है कि जो पट्टी आपने लगाई हुई और जो करेक्टर आपका है, तो कम अज कम भाई इस्लाम ऐसे करेक्टर वाले लोगों को तो जो है वो समझ में आने वाला नहीं है। इसके लिए पाकीज़ा होना ज़रूरी है, इसके लिए ताहिर होना ज़रूरी है, इसके लिए अकल होना ज़रूरी है, इसके लिए ख्यालात का ताहिर होना ज़रूरी है, इसके लिए दयानतदार होना ज़रूरी है, इसके लिए सच्चा होना ज़रूरी है। नाम सिर्फ सच वाला नहीं रखना ज़रूरी, सच्चा होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें आपके अंदर किरदार के अंदर होंगी तो ही जाके ये इस्लाम जो है आप इसके अंदर दाखिल हो सकती हैं। अदरवाइज़ जिस तरह का आपका किरदार है वो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के किरदार के लोगों को तो इस्लाम से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि ये जहां पर भी इस तरह के किरदार के लोग होंगे, जिस आइडियोलॉजी में भी होंगे, ये उस आइडियोलॉजी को भी चाट जाएंगे, जैसे ये हिंदू धर्म को चाट रही है मिस्त्यागी। और फिर अकेला हिंदू धर्म को नहीं चाट रही है, ये हिंदुओं को भी चाट रही है, ये अपने ही मुल्क के अंदर बैठ के बगावत करवाना चाह रही है और करवा रही है, डट के करवा रही है। मैं अगली आयत में चलता हूँ, 8 नंबर आयत में। उनसे अहद कैसे हो सकता है जबकि अगर वो तुम पर गलबा हासिल कर लें तो वो ना तुम्हारी कराबतदारी का लिहाज करेंगे और ना अहद का। सिर्फ वजह यह है कि जब ये गलबा पा लेते हैं, और इस तरह की और आयात भी हैं और तारीख में ये वाकयात भी मौजूद हैं कि अहद के बावजूद जब इन्होंने गलबा पाया तो इन्होंने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, ना अहद का, ना कराबतदारी का, ना जुबान का, किसी चीज़ का भी। तो उनसे कैसे अहद हो सकता है जबकि अगर वो तुम पर गलबा हासिल कर लें तो वो ना तुम्हारी कराबतदारी का लिहाज करेंगे और ना अहद का। वो जुबान से तो तुम्हें खुश कर देते हैं मगर उनके दिल इनकार पर तुले हुए होते हैं। इनमें अक्सर लोग फासिक हैं। ये वो फासिक लोग हैं कि जुबानी तौर पे फंसे हुए हैं तो इकरार कर लेंगे, मुआहदा कर लेंगे, उसके बाद जब भी गलबा पाएंगे जिस तरह इन्होंने अब यहाँ पर धोखा किया, ये हर बार इसी तरह धोखा करते हैं। सूरह अनफाल के अंदर भी जिक्र है कि ये वो कौम है जो बार बार अहद करके तोड़ देती है, और तारीख इस पे शाहिद और गवाह है। अब मैं आयत नंबर 9 में जाता हूँ। उन्होंने अल्लाह की आयात के इर्द थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली है, बस वो अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं यकीनन वो बहुत बुरा है, यानी कि मुआहदे करके फिर लोगों को काट रहे हैं रात की तारीखियों में, ये बहुत बुरा अमल कर रहे हैं। ना तो ये किसी मोमन के हक में कराबतदारी का लिहाज करते हैं और ना अहद का। यही लोग ज्यादती का इर्तकाब करने वाले हैं। मिस्त्यागी, ये 10 आयात मैंने पढ़ी हैं। अब मुझे बताओ कि तुम तो वहां पर तुम्हारा पहलवान कह रहा था अहद की बात ही नहीं है, अहद की बात ही नहीं है, किसी अहद की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जो काफर है उसको मार देना है। 6 नंबर आयत में लिखा हुआ काफर को तहफ्फुज़ दे देना है। अब चलो मैं तुम्हें सूरतुल मुमतहिना में भी लेके जाऊं, वहां पर भी चलते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। सूरह मुमतहिना 60 नंबर सूरह है, 60 नंबर सूरह। मैं सिर्फ ये मुख्तसर करूंगा, उसके बाद फ्रैंकफर्ट साहब की तरफ हम मुतवज्जो होंगे। सूरह मुमतहिना 60 नंबर सूरह है और उसकी आयत नंबर मैं 8 पढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की, ये बात काफरों की हो रही है, जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता। सिर्फ इंसाफ नहीं करना, उनके साथ एहसान का मामला भी करना है। अल्लाह यकीनन इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, यानी कि अल्लाह ने यह कह दिया कि जो काफर आपके साथ जंग में मुलव्वस नहीं है और उन्होंने आपकी जिला वतनी में आप मदद नहीं की काफरों की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, यानी कि दो ग्रोह हो गए, जिन्होंने ये तीनों काम किए और जिन्होंने ये तीनों काम ना किए। जिन्होंने ये तीनों काम नहीं किए, अल्लाह ये कह रहा है कि भाई उनके साथ कोई मामला नहीं है, उनके साथ इंसाफ से रहना है, और सिर्फ इंसाफ नहीं, उनके साथ इंसाफ भी कर, इंसाफ के साथ एहसान करना है।
अगली आयत नंबर 9 देखें, जिसमें बिल्कुल बात वाजी और क्लियर हो गई, जो वहां पर एक आयत का हवाला दिया गया, मैं चाहता हूं कि उसको भी साथ ही क्लियर कर दूं। अल्लाह तो यकीनन तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से रोकता है जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की। अच्छा, पीछे क्या था? उनके साथ एहसान करो, उनके साथ इंसाफ करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अच्छा, दोस्ती किन से नहीं करनी? ऐसे लोगों से जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारी जिला वतनी पर एक दूसरे की मदद की, और जो उन लोगों से दोस्ती करेगा बस वही लोग जालिम हैं जिन्होंने ये जुर्म किए थे। उन मुजरमों के साथ, उन मुजरमों को आपको आपको उन मुजरमों के साथ दोस्ती नहीं करनी, उनको अपना सरप्रस्त नहीं मानना। दोस्ती जो वली मानी है ये सरप्रस्ती के मानों में है कि ऐसे लोगों को आप अपना सरप्रस्त नहीं मानेंगे, यानी कि उनकी किसी बात पे आप इत्तफाक नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो कुछ साजिश करें। तो ऐसे लोगों से जो कि जंग का माहौल है और दो अकवाम बट चुकी हों और वहां पर उन्होंने घर से निकाला हो और कोई उनसे खुफिया रबते रखे और दोस्तियां रखने की कोशिश करे, तो यकीनन ये अपनी कौम के साथ गद्दारी है। तो कम अज कम ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने ये जुर्म किए हैं उनके साथ आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो लोग मौजूद हैं, आटो वो बात तो हो गई भाई, उनसे नहीं मना किया, इनसे मना किया, ये बिल्कुल वाजे कर दिया इन आयात में अल्लाह ताला ने। और ये वही आयात हैं जिनका आप जिक्र करके इनको मिसकोट कर रहे थे। आपके पहलवान मिस्टर सच वाला नाम रख के उसने लेबल लगा लिया कि अब मैं जितने भी झूठ बोलूं, गोद त्यागी की है, नाम मैंने सच वाला रख लिया है, इसलिए ये खबरें ट्रांसफर होंगी और हिंदू मुस्लिम फसाद होगा। जी ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, मैंने ये इन आयात का विद कॉन्टेक्स्ट आपको ये तमाम बातें बता दी, और ये किसी भी स्कॉलर से कन्फर्म जाके कर लें, स्कॉलर से भी कन्फर्म करने की जरूरत नहीं, ये कुरान ही पढ़ लें। मैंने आपके सामने आयात ही तो पढ़ी है, तो आप इन आयात से ही फैसला कर सकते हैं कि किस हद तक ये भयानक झूठ बोलते हैं और किस हद तक ये भयानक खेल खेल रहे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत ही अप्रिशिएट के काबिल है जो आयात आपने इस सिलसिले में जो वजाहत की। इस तो हमारे साथ फ्रैंकफर्ट भाई भी हैं, अगर वो इस सिलसिले में कुछ अपना ऐड करना चाहते हैं तो वो जरूर हम वेलकम है, वो करें अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो। जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, जिस तरह जहाद के टॉपिक पर और काफिरों के खिलाफ तलवार कैसे उठानी है, इस पे जिस तरह बात अली भाई ने वजाहत से और सराहत से कर दी है, तो इसके बाद कोई गुंजाइश तो बाकी नहीं रहती। लेकिन चूंकि अब इस काम में हिस्सा डालना है, अजर की खातिर, अपनी बख्शिश की खातिर, तो तबरकन मैं थोड़ा सा चंद एक आयात, एक दो आयात सामने रखूंगा, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि काफिर को जहां पकड़ो कत्ल कर दो, तो उनकी आंखें खुल जाएं कि ऐसी बात नहीं है, ये इल्ज़ाम है, ये दरमियान की बात पकड़ते हैं। जैसे कल सीकर भाई कह रहे थे कि ये दरमियान की बात पकड़ते हैं एक्स मुस्लिम, ये हकीकत बयान नहीं करते। ये ज्यादा शर्म वाली बात है कि एक बंदा जानबूझकर हकीकत छुपाए। तो इसी सिलसिले में इजाजत देते हैं, सूरह बकरा में से ही मैं आगाज करता हूं कि किस तरह से अखलाकियात बयान की गई हैं कि जब जिहाद का हुक्म मिल जाए, आप मारका आरा हो जाएं, कुफार से मुकाबला बन जाए, तो उसकी नौइयत क्या है, किस तरह होना चाहिए। तो खास तौर पर जब मुसलमानों ने जब मक्का में खाना काबा की हुरमत की बात आ गई और हज की बात आ गई, तो किबला जब इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लग गए, तो उसमें फिर ये था कि मुसलमानों ने इरादा किया हुजूर की इजाजत से कि हम हज करना चाहते हैं या उमरा करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में ये स्पेशली अहकामात आए हैं कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने फिर हिदायत दे दी। तो आप इजाजत दें तो मैं ये एक दो आयात हैं ये पढ़ दूं और इनका तर्जमा कर देता हूं। मेरा ख्याल है कि अली भाई की वजाहत के बाद ये मजीद उस पर मोहर लग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन युकातिलूकुम युकातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअ्तदीन वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम वआख्रिजूहुम وَحَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإنتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإنتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں 190 سے 194 جو بہت مشہور ہیں اور جن کے اوپر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں. یہ جو میں نے بولا نا حج کی راہ روکنے کے لیے, یہ بریکٹ میں ہے. دراصل غرض یہ تھی کہ مسلمان حج کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے تو اذن نہیں تھا, اذن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا. تو تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو, بل بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ہے سر جنگ میں بھی لڑائی کے موسم میں بھی ایک اخلاقیات. اچھا اس کے بعد ہے اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ, لڑنے والوں کو, دا پیپل ہو اٹیک یو, ان کے ساتھ فائٹ ود دم, ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. سو اٹ از ریئیکشن ناٹ ایکشن. اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے, بل فتنہ تو اشد من القتل. اچھا پھر اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں, پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو. If they start, then attack them. اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے, یعنی جو لوگ اپنے فتنے میں اور انکار میں اس حد تک دور نکل گئے ہیں تو ان کی پنشمنٹ یہی اللہ نے امپوز کی ہے. لیکن ساتھ ہی کہ بٹ اف دے ریسٹرین, اگر وہ باز آ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے, اللہ ول فار گیو دیم. اچھا اس کے بعد اگلی آیت ہے اس کی شفقت ابدی ہے. سو ہیئر اللہ از ناٹ اونلی فار گیونگ دیم بٹ لوز دیم, اس کی شفقت ابدی اینڈ ہی لوز فار ایور. اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ جب ان کے پنگے ختم نہیں ہوتے اور یہ آپ کو حج سے روکتے ہیں یا عمرہ سے روکتے ہیں اور باز نہیں آتے تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے, پھر ان کا جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے ان کے ساتھ اینڈ تک لڑا جائے. اچھا پھر اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے, پھر اب ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرنا. اچھا پھر آگے سنیں, اگر فرض کریں کیا ہوتا ہے, تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے. سو اف دے اسٹاپ دس فائٹ سو بی کیئرفل, آپ صرف ظالم کے خلاف ہی یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی ظلم میں باز آ جاتا ہے تو یہ آپ قدم نہیں اٹھا سکتے. اچھا جی پھر آگے ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے. اب یہ حرمت والے مہینے تھے, ان میں جنگ تو نہیں تھی, اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی بدلے ہیں, لہذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو. چونکہ یہ حرمت والے مہینے, اس میں جنگ نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, تو اس وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مسلط کریں, لڑائی مسلط کر دیں, تو پھر آپ پر کیا ہے, اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو, اس سے بڑھ کر نہیں کرنا. اچھا اور اللہ سے ڈرتے رہو, بی کیئرفل اباؤٹ دا آرڈرز آف اللہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہتھے چڑھ گیا کوئی تو اب اس کو قتل ہی کر کے چھوڑنا ہے اور آپ اپنی خواہش پوری کرو. نہیں 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 نہیں, اللہ سے ڈرو, ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ جنگ پر بھی اجازت دے رہا ہے اور جنگ کرنے کے دوران اگر کوئی باز آ جائیں, توبہ کر لیں, ظلم چھوڑ دیں, تو ان کے اوپر اتنا ہی زیادتی کرنی ہے جتنی انہوں نے کی ہے,
और अल्लाह फरमाता है मेरे से डरते रहो मुराद ओबे करो मुझे जो मैंने अहकामात दिए, और ये भी जान लो कि जो मैंने हुदूद कायम कर दी हैं, मसलन इस्लाम ने जो हुदूद कयूद कायम की हैं, जो कोड ऑफ इस्लाम है, उसकी आपने हरगिज वायलेशन नहीं करनी, उसकी हर सूरत पाबंदी करनी है। जंग है सर, जंग है जुल्फकार अशरफ साहब, और जंग में भी आर्डर क्या आ रहा है कि आपने पाबंदी करनी है। तो इसके बाद भी अगर इनको कोई परेशानी आती है तो बहुत ही अफसोस की बात है। अगर आप इजाजत दे तो एक आयत मैं और पढ़ के मैं इजाजत ले लेता हूँ, क्या कहते हैं? अच्छा साहब, बिस्मिल्लाह 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 जी, साहब बिस्मिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह। साहब, जितनी आयत आप पढ़ना चाहें, मैं चाहूंगा कि इन आयत के कॉन्टेक्स्ट में हजरत अली की शहादत का वाकया कोट करें कि खलीफा वक्त होते हुए कह रहे हैं कि इसको सिर्फ एक जरब मारना, इस क्योंकि हाँ इसने मेरे ऊपर एक ही जरब जरब से हमला किया था, अगर मैं शहीद हो जाता हूँ इसको एक ही जरब मारना। तो ये वाकया जरूर साथ में सुनाइएगा। जी 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 जजाकल्ला जजाकल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह। लिंक को शेयर कर दिया जाएगा जो एज सून एज के हमारे मोहतरम भाई इस चीज से एक दो पॉइंट हैं वो फारिग हो जाएं तो इंशाल्लाह। अली भाई मैंने आपके जी सपुर्दे जी काम जी बस किया था जल्दी। लेकिन लगता है मुझे अभी आपने कोई जवाब नहीं दिया। चलो मैं अभी पूछता हूँ आपसे सर। नहीं शाह साहब, अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप जो भी सवाल है वो फिर कीजिएगा प्लीज। जी जी बिल्कुल जी शाह साहब। अच्छा जी 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 बस ये सर एक एक हवाला बस, और मैं आप अरबी भी नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट पढ़ देता हूँ। किताबे मुकदस में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये आयत नंबर 75-76 है, सूरा नंबर 4। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो फरियाद कर रहे हैं। सर सुन रहे हैं अल्लाह जुल्फकार अशरफ साहब, अल्लाह अकबर अल्लाह देखें अकबर किन के खिलाफ तलवार उठानी है। ये कहते हैं जी जहां काफिर अल्लाह मिले मार दो, तो देखें अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो फरियाद कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल के जिसके लोग जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से हम दर्द पैदा कर दे, हमारा दर्द बांटने वाले या अल्लाह पैदा कर, और अपने पास से अल्लाह हामी और मददगार पैदा कर दे। इन्हें बताओ ऐ पैगंबर के ईमान वाले खुदा की राह में लड़ते हैं और मुनकरीन अपने सरकशों की राह में लड़ते हैं, सो ये तो शैतान के दोस्त हैं, सो तुम शैतान के उन दोस्तों से लड़ो और बेपरवाह हो जाओ, इसलिए कि शैतान की चाल बड़ी कमजोर है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो है जहां काफिर मिले उसे मारें, इनको समझ नहीं आ रही कि कौन काफिर हैं ये बदबخت और बदतमीज शरूर बरिया कौन है जिनको जिनके साथ जिहाद करना है और लड़ना है मारना है। ये आयतें क्यों नहीं नजर आती इनको? आती है अंधे हैं। अल्लाह ताला कहता है ना शाह साहब वो क्या है, जी सुम जी बुकमुन उमयुम फहम या फहम ला यार्जियून। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह जी कंटिन्यू करे शाह साहब, अच्छा मजा आ अच्छा रहा है फिर देखते हैं। माशाल्लाह। जी, अच्छा सुन ले। अच्छा ये तो बात हो गई कि जो जालिम लोग हैं, जो काफिर हैं, जो जो जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर अरसा जिंदगी तंग कर दिया है, मर्द बच्चे औरत, अच्छा देखें सिर्फ मर्दों पर ही नहीं औरतों बच्चों पर भी जुल्म करते हैं। देखें यहां पर अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली फरमाया है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो फरियाद कर रहे हैं कि परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल के जिसके लोग जालिम हैं। तो वो सिर्फ मर्दों के साथ जुल्म नहीं करते थे सर, औरतों और बच्चों से भी करते थे। अच्छा ये तो सूरत हाल आ गई, समझ आ गई आपको। तो अब मैं आपको बताता हूं कि फर्ज करें कि मुसलमानों में भी अगर कोई ग्रोह सरकशी अख्तियार कर ले, तो पहले उसके लिए ये है कि मसालहत होनी चाहिए, अदरवाइज जो कोई फितना पैदा करे, अल्लाह पाक तो मुसलमानों के दरमियान भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रखते कि जो ज्यादती करे तो उसको बदला ज्यादती से देना है। ये काफिर रोते हैं कि हमें मारने का हुक्म है, मैं कहता हूं यहां पे तो मुसलमानों को भी मारने का हुक्म है, तो अब आप क्या कहेंगे भाई? जी सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये जी 49 है सूरा, आयत 9-10 है, अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ, फिर अगर उनमें से एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो जो ज्यादती करे उससे जंग करो,
यहां तक कि वो अल्लाह के फैसले की तरफ रुजू कर ले, फिर अगर रुजू कर ले तो दोनों के दरमियान अदल के साथ मुसालहत करा दो और ठीक ठीक इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है, ईमान वाले तो आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के माबैन मुसालहत कराओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैं अपने काफिरों से पूछता हूँ, जो हमारे काफिर हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई अब यहाँ पर तो अल्लाह पाक जो है मुसलमानों के भी गिरोह को जो ज्यादती करे उनके खिलाफ भी जंग करने का हुक्म दे रहा है, कि तो जंग में क्या होता है? जंग में दूध तो नहीं पिलाया जाता, लस्सी और वहां पर मिठाई तो नहीं खिलाई जाती, जंग में गर्दनें मारी जाती हैं, टांगे काटी जाती हैं, जो जहां पे हाथ आ जाए गर्दन उड़ा दी जाती है। तो इसका मतलब है कि ये आयत भी आपको नजर नहीं आती कि इस्लाम अदल की बात करता है, जुल्म के खिलाफ बात करता है, चाहे वो मुसलमानों में ही जालिम गिरोह क्यों ना हो उनके खिलाफ भी जंग करनी, ये इन काफिरों को क्यों नहीं नजर आता सर? हाय 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 हाय, नजर आ जाए तो फिर ईमान ईमान लाना पड़ जाएगा ना, इसलिए वो कहते हैं हम देखते ही नहीं। हाय हाय बस हाय 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 गुलफकार शेख साहब, मैं ज्यादा जहमत नहीं देता, लेकिन मैं बस यही कहता हूं कि इनको कुछ ना कुछ तो खुदा का खौफ खाना चाहिए कि देखो भाई हमारे पास जो पैगाम है वो अदल का प्रचार है, जुल्म के खिलाफ है, ठीक है। अल्लाह पाक जालिमों के खिलाफ अपनी हुज्जत तमाम करता है एक अंबिया के जरिए से, ठीक है, और अंबिया के जरिए से जब करता है तो दो तरह के अजाब आते हैं, या तो अल्लाह पाक कोई आसमानी अजाब या जमीन से अजाब भेज देता है, नहीं तो फिर अल्लाह अपने नबी की जमात के जरिए से उन कौमों को सबक सिखाता है जो सरकश हो जाती है, ठीक है। माशाल्लाह, तो जबरदस्त जबरदस्त। ये चीखते चिल्लाते इस बात पे हैं, जब खुदा अजाब नाजिल करता है उस पर तो ये कह देते हैं ये नेचुरल है, ठीक है, उधर से तो नेचुरल, लेकिन जब अल्लाह पाक अंबिया या अंबिया की जमात के जरिए इन पर अजाब नाजल करता है इनकी सरकशी के बदले में, वहां पर रोते हैं जी हमें कुछ ना कहें, हमें ना मारें, आप तो हमें मारते हैं, तो आप तो हमें मारने की बात करते हैं। ओ भाई देखो तो सही कि आपने क्या किया, आपसे तंग आए मर्द औरतें बच्चे रो रहे हैं फरियाद कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे लिए कोई बस्ती में ऐसा बंदा पैदा कर, ऐसे लोग पैदा कर दे जो इन बदबख्तों का मुकाबला करें, लोग फरियादें कर रहे हैं रो रो के, तो वो कौन? इन काफिरों के जुल्म से ही कर रहे हैं ना सर, और किन के जुल्म से कर रहे हैं? तो जो अल्लाह अपने मुसलमान मानने वाले जो हैं उनमें से अगर कोई ज्यादती करे तो उनके लिए माफी नहीं है, उनके खिलाफ जंग है, उनकी गर्दने मारने का हुक्म आ जाता है। तो भाई फिर तुम किस बाग की मूली हो, किस खेत की मूली हो, तुम्हारी तो गर्दने फिर गई, तुम्हारी कौन गर्दने बचा सकता भाई? ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं, माफी कोई नहीं, फिर पकड़े गए तो पकड़े गए, ना पंगा लो, इफ यू स्टार्ट देन वी शैल एंड। हाँ माफी मांग लो, सुलह कर लो, कोई बात नहीं, हम फिर भी तैयार हैं, पाक ने कहा कि अगर वो रुजू कर लें सुलह करना चाहें जुल्म में बाज आ जाएं तो देखो मेरे से डरना है और मेरी हुदूद है, हुदूद की पासदारी करनी है, वेलकम, वी विल ओबे द लिमिट्स ऑफ अल्लाह, हमें क्या इशू है जी। जुल्फकार शेख साहब, मैं अब ज्यादा सर वो ज्यादा वो अली भाई ने एक आपको हजरत अली का वाक्य भी बताया था, अगर वो ऐड कर दे तो थैंक यू आपका। मेरे अब जेन में नहीं आ रहा सर, थोड़ा चले सा रेफरेंस है। मेरा ख्याल है अली भाई को हम रिक्वेस्ट करते हैं। अली भाई, ये अगर आपको ये हजरत अली का वाक्य जो अभी बिल्कुल जी आपने मैं बोला था, अगर वो फरमाए फिर एक बात मेरे मेरे जेन में आ जाएगी, अभी अभी नाजल हुई है, कहीं वो निकल ना जाए तो काइंडली बताइए हजरत अली का जरूर वाक्य। आपका। ओके ओके ओके, अच्छा जी, थैंक यू फरफर साहब। मैं बिल्कुल एक तो वो वाक्य ऐड करता हूँ, क्योंकि फ्रैंकफर्ट साहब ने एक आयत कोट की थी कि आप जितना जुलम और ज्यादती आप पे की गई है आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये अल्लाह की हदूद है, अगर करेंगे तो ये आपकी तरफ से ज्यादती होगी और अल्लाह आपसे नाराज होगा और इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं उससे पहले एक दो आयात आपको चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करूँ। सूरह अल माईदा है, आयत नंबर 42 है, झूठे मक्कार जसूस हराम माल खाने वाले भी कोई मुकदमा लेके आए तो इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला करो। तो इस्लाम फ्रैंकफर्ट साहब ने कहा कि जुल्म नहीं चाहता, दूसरा इस्लाम अमन चाहता है और इंसाफ चाहता है, बेशक कोई झूठा है मक्कार है जसूस है हराम माल खाने वाला क्यों नहीं आ गया रसूलुल्लाह के पास, अगर वो मुकदमा लेके आ गया है इस्लामी अदालत में, अगर वो किसी फैसले के लिए आ गया है तो इंसाफ के साथ उनके दरमियान फैसला होगा। इसी तरह सूरह माईदा की आयत नंबर 8 में है, ए ईमान वालों अल्लाह के लिए भरपूर क्याम करने वाले बन जाओ
और इंसाफ के साथ गवाही दो और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हारी बेइंसाफी का सबब ना बने, अदल करो। अदल का हुक्म है काफरों के साथ भी, यानी कि ये कहा कि किसी कौम की दुश्मनी, यानी कि अगर आप एक कौम के साथ आपकी दुश्मनी हो गई है, जैसे कि कुफार थे, मुशरकीन थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा ना कर दे कि तुम बेइंसाफी करने लग जाओ, उनके साथ भी इंसाफ करो। फिर देखें सूरह निसा की आयत नंबर 135, इस कॉन्टेक्स्ट में और भी आयत हैं लेकिन फिलहाल मैं यही आपको आयत कोट करूंगा। सूरह निसा की आयत नंबर 135 है, ऐ ईमान वालों इंसाफ के सच्चे दाई बन जाओ और अल्लाह के लिए गवाह बनो, अगरचा तुम्हारी जात, तुम्हारे वालदैन, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। लो भाई, जहां पर कबाइली निजाम में अपने अपने कबीले की और अपनी अपनी जात का मुफाद देखा जाता था, तो यहां पर कह दिया किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात में आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो, हत्ता कि वो इंसाफ अगर हो और वो सच्चाई हो, तुम्हारे अपने वालदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, हत्ता कि तुम्हारी अपनी जात के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हें वो गवाही देनी है और तुम्हें इंसाफ करना है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि आप मुखालफीन और दुश्मनों के बारे में भी इस तरह की जज्बात रखते हो। किसी दिन मौजू हुआ कि कुफार के साथ या मुखालफीन के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है, वो बहुत कमाल की आयत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैं पेश करूंगा। तो मैं फ्रैंकफर्ट साहब की उस आयत की तकमील के लिए बताऊं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली जिस तरीके से उसको पेश किया हमारे सामने, ज़ुल्फ़िकार अशरफ़ साहब के एक इब्ने मुलजम नामी आदमी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पहले ही खबर दी थी कि अली इस उम्मत का बदबख्तरीन आदमी वो होगा जो तेरी दाढ़ी को खून से खजाब करेगा। तो इब्ने मुलजम नामी उस शख्स ने हजरत अली को, जब वो नमाज पढ़ रहे थे सजदे की हालत में, एक ज़रब लगाई सर में और उस तलवार के साथ उसने जहर भी लगाया हुआ था, तो हजरत अली बहुत शदीद जख्मी हो गए। लोगों ने उसको पकड़ लिया, उस वक्त हजरत अली खलीफा थे और चाहिए तो ये था कि पकड़ के उसकी रग रग काट देते, गुस्से का इजहार करते। तो हजरत अली कह रहे हैं खबरदार इसको कुछ ना कहो। वो पानी लोग लेके आए तो हजरत अली कहते हैं कि पानी इसको पिलाओ, वो कहते हैं कि दूध और पानी, हजरत अली कहते हैं इसको पानी पिलाओ, लोग कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपको क्या हो गया, इसको क्यों पानी पिलाएं, ये तो बदबख्त है। तो हजरत अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम देखते नहीं ये कितना मुस्तरिब है, बेशक ये मुजरम है लेकिन ये मुस्तरिब है और मैं सुकून में हूँ। तो एक बंदा सुकून में, हालते सुकून में हो और एक बंदा जो है वो बेकरार और बेचैन हो, तो पानी का हक उसका बनता है, दूध का हक उसका बनता है। उसको पिलवाया, अपने हाथों से उसको पिलाया, फिर ये फरमाया कि इसको कैद में रखो क्योंकि इसने जुर्म किया है, अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं जिंदा रहा तो हो सकता है मैं इसको माफ कर दूं, और अगर मैं जिंदा ना रहा तो इसकी लाश का मुसला ना करना, इसने एक जरब लगाई है मेरे सर पे, आपने भी एक ही जरब लगानी है, इससे ज्यादा नहीं, अगर उस एक जरब से ये बच जाता है तो इसको छोड़ देना। ये चीजें आपको इस्लाम में ही मिल सकती हैं क्योंकि इस्लाम इन चीजों का दाई है, इस्लाम ये चीजें पसंद करता है, इस्लाम इन चीजों की तबलीग करता है, और पैगम्बर इस्लाम सहाबा कराम अहले बैत रसूल उनकी जिंदगियां हमारे लिए मशाले राह हैं। अगर हम देखें तो इस तरह के एक नहीं हमें सैकड़ों वाकयात मिलते हैं कि जहां पर इंसानी अपने दंग रह जाती है। जी ज़ुल्फ़िकार अशरफ़ साहब, इसके अलावा आप क्या सवाल कर रहे थे? जी मैंने एक सवाल था, लिंक को हम बहुत जल्दी एक मिनट के अंदर, दो मिनट के अंदर अंदर हम करने वाले हैं। अली भाई मैंने आपको कहा था कि कोई नई आपने पोएम पोएट्री तैयार की है, वो अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, अगर कोई है तो बताइए वरना हम लिंक को सेंड करें। और ज़ुल्फ़िकार अशरफ़ साहब मैंने लिखा जरूर है लेकिन ये बहुत ही कोई फजूल औरत है कि मुझे अफसोस है कि आपके कहने पे मैंने टाइम जरूर दिया, मैंने लिखा जरूर है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ जो मैंने लिखा है। चले चले मैं ठीक है सर, इसके बाद इस पोएट्री के बाद हम सेंड करने वाले हैं, तो फिर हम दोस्तों से अगर आप इजाजत दें तो मेरा जी चाह रहा है कि अल्लाह का इंसाफ और अल्लाह की मोहब्बत तो बयान की है लेकिन जब अल्लाह पाक जालिमों के खिलाफ हुक्म देता है तो फिर कितना शदीद होता है, अगर इजाजत दे तो दो जुमले कुरान पाक से ये सुना दूं। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा इनको फिर अल्लाह पाक का दूसरा रुख भी नजर आ जाए ना, मुसलमानों का इस्लाम का, ये ऐसे ही ना कहे ना कि खैर है भाई मुसलमान काफरों को कुछ नहीं कहते। अल्लाह पाक सूरह मोहम्मद में फरमाते हैं कि सो ईमान वालो जब इन मुनकरों से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आए तो बेदरेग गर्दने मारनी है, फिर कोई लिहाज नहीं, बेदरेग गर्दने मारनी है यहां तक कि जब तुम इनको अच्छी तरह कुचल दो। अली भाई सुन रहे हैं? जी 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 फ्रैंकफर्ट साहब मैं सुन रहा हूं और एक दफा जुमला दोबारा कंप्लीट कीजिए, जब इनसे लड़ाई हो, जब ये लड़ने हैं, जब इन मुनकरों से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आ जाए, लड़ाई हो जाए, तो बेदरेग गर्दने मारनी है
यहां तक कि जब तुम इनको अच्छी तरह कुचल दो, तब कैदी बनाकर बांधो, फिर जब बांध लो तो उसके बाद एहसान करके छोड़ देना या फिदिया लेकर। इनके साथ तुम्हारा यही मामला रहना चाहिए, यहां तक के जंग अपने हथियार डाल दे। ये सर, फिर मैंने कहा इनको दूसरा रूप भी दिखा देना कि जो औकात में ना आए, फिर उनको पता होना चाहिए कि जी मुसलमान बिल्कुल, फिर तो जब लड़ने के लिए आ हथियार रहे हैं। उठाते हैं, हथियार जब मुसलमान उठाते हैं तो फिर कुचल भी डालते हैं। मैंने कहा ये जी भी जी पता चल जाए ना इनको कि नहीं, हम फ्रैंकफर्ट हक के साहब लिए उठा। हक के साथ साथ उसके साथ फिर भी नरमी बढ़ती है अगर वो जजिया फिर अदा सरेंडर कर कर दें दे, या फिर माफ कर, सरेंडर भी, देखिए ना, हम माफी भी है एहसान कर दे। इतना। अगर सरेंडर करते हाँ हैं तो फिर एहसान करके छोड़ दें या फिदिया लेकर। बेशक और ये मामला तुम्हारा इनके साथ यही मामला होना चाहिए, ये अल्लाह दो चीजें। अल्लाह, फिर भी छोड़ देना हम जी, एहसान करते हुए आपको ऑर्डर है कि आप छोड़ दें। छोड़ सकते हैं या फदिया ले और सकते हैं। सर बहुत अगर आला, छड़न बहुत दा, आला अली भाई, अगर छड़ देने दा हुक्म ना हुंदा ते फेरे नजर ही आंदे। जी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में इनको छोड़ दिया जब इन्होंने सरेंडर किया, और बड़ी तादाद में ये हाथ आ जी चुके थे। बिल्कुल अली भाई, माशाल्लाह आज आप फ्रैंकफर्ट साहब की और अली भाई आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो लोग कह रहे हैं कि जी आज बहुत मजा आ रहा है, माशाल्लाह आपकी जो मेहनतें थी वो रंग ला रही हैं, तो जबरदस्त, ए वन सारे ए वन। माशाल्लाह तो जी, माशाल्लाह प्रोग्राम को फ्रैंकफर्ट हम फिर साहब। आगे बढ़ाते हैं जी, जी जी माशाल्लाह जी, इन्होंने जी तो आखिर मुझे छह इजाजत चांद दे लगा दें, दिए। मुझे इजाजत दे दें, आप बहुत इसको कंटिन्यू करें। जजाकल्लाह, शुक्रिया, ये थे हमारे अस्सलाम वालेकुम। चाचा साहब, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। ताला इनको से तंदुरुस्ती अता दे, अता फरमा। बहुत ही मेहनती हैं, लगन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इन्होंने आगे छह चांद लगा दिया, 6 मून। वेरी थैंक यू जी अली भाई, अब आपके पास वो जो कोई है निकालिए, फिर हम आगे इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को लेके चलते हैं। क्या तैयार किया है अभी, आपने कहा था मैंने जी कुछ जुल्फकार अशरफ तैयार साहब, किया मैंने है, लिखा है। अरशाद जी 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 अरशाद मैं अभी पेश करता हूँ, मैं अभी पेश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपको पसंद आता है या नहीं। मैंने कहा था कि मैं ये कर लिया करता था किसी दौर में, लेकिन अब मैं ये चीजें नहीं करता, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन आपने कहा था। अली भाई मैं तो पसंद करूंगा, क्योंकि आपका आप क्योंकि मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जो जो सुनने वाले हैं वो नीचे वाह वाह आहा करने की, वो क्लैपिंग की चलें मुझे जी, जो है ना वो पता चल आने, जाता है जी। अहबाब आप क्या, अहबाब को भी पसंद आती है आप या नहीं, ये लिखी जी हुई जी जी पोएट्री। जी बहुत चलें जी, मैं स्टार्ट शुक्रिया, करता हूँ। पनाह स्टार्ट से करें आगे सर। करिए, स्पेशल पनाह से आगे करिए, न्यूज़ नेशन के लिए ये कलाम मैंने लिखा है, ये पोएट्री मैंने लिखी है। तो रुझो फरमाइएगा, गले में तुमने तौके लानत सजा रखा है, गले आहा में तुमने तौके लानत सजा रखा है, पिनाज तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। गले में तुमने तौके लानत सजा रखा है, पिनाज तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। हिंदू हिंदू रहते हुए, हिंदू रहते हुए उठाओगी इस्लाम पे उंगलियां, हिंदू रहते हुए उठाओगी इस्लाम पे उंगलियां, गोया शीशे के घर में तुमने पत्थर उठा रखा है। पिनाज पिनाज तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। कोई दूध पीता बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा है, कोई जाहिल कोई कीचड़। कोई दूध पीता बच्चा है, कोई जाहिल कोई कीचड़, ये जूतों के थे काबिल तुमने सनद बना रखा है। पिनास पिनास तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। ये गानी रिपीट कुछ कीजिए, लीला है चलिए सर सर, ये जो जो ये लास्ट वाला था ना, ये दोबारा रिपीट कीजिए। क्या कोई बात है, क्या बात, कोई दूध पीता बच्चा है, कोई दूध पीता बच्चा है, कोई जाहिल कोई कीचड़, ये जूतों के थे काबिल तुमने सनद ये बना जूतों रखा के थे है। काबिल। हाय ये जूतों के थे काबिल तुमने सनद बना रखा है, पिनास तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। रानी कुशलिया है, रानी कुशलिया है, कहीं द्रौपदी तो कहीं सीता जी। रानी कुशलिया है, कहीं द्रौपदी तो कहीं सीता जी, ये हैं वो हकूक जिनका तुमने बेड़ा उठा रखा है। वाह पिनास वाह वाह वाह, पिनास अरशाद तुमने अरशाद, भला ये क्या हाल बना रखा है। रानी वाह वाह, कुशलिया है, क्या कहीं क्या, द्रौपदी तो कहीं सीता जी, ये हैं वो हकूक जिनका तुमने बेड़ा उठा रखा है। पकड़े हैं कई वाह बार हमने तेरे संगी साथी, पकड़े हैं कई बार हमने तेरे संगी साथी, ये जाके पूछ लेना, ये दूध पीते बच्चे से भी पूछ लेना, इसको भी पकड़ा था, तेरे सारे पहलवानों को पकड़ा हुआ।
पकड़े हैं कई बार हमने तेरे तेरे साथ भी पकड़े हैं झूठ बोलते हुए, पकड़े हैं कई बार हमने तेरे संगी साथी, आईना उनको हमने कई बार दिखा रखा है, पिनाज तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। ये आग पहुंचेगी जरूर तेरे घर तलक भी, गौर करना इस बात पे, ये आग पहुंचेगी, त्यागी जरूर गौर करना, त्याग दोगी तुम सब कुछ, ये आग पहुंचेगी जरूर तेरे घर तलक भी, तुमने जिस आग में हिंदू मुस्लिम को जला रखा है, पिनाज तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तो ये आपको खबरें मिल रही होंगी कि इंडिया के अंदर हमारे हिंदू भाई जो हैं वो रिफॉर्म धर्मा को छोड़ रहे हैं, ये न्यूज नेशन की दीवारें भी लरजेंगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें खबर दे दूं कि न्यूज नेशन के अंदर भी ये जल्जला आएगा, क्योंकि आवाज हक हर जगह पे पहुंचेगी, सताए हक हर जगह पे पहुंचेगी, इस्लाम की हकानियत न्यूज नेशन तक भी पहुंचेगी, और न्यूज नेशन के अंदर बैठे हुए कुछ अफराद तुम्हारे तक नहीं, तुम्हारे तक तुम्हें तो पता, तुमने तो आंखें बंद की हुई। तो ये आखिरी शेर तुम्हारे लिए, पिनाज सुनो, खुर्रम जरूर लरजेंगी दीवारें न्यूज नेशन की, खुर्रम जरूर लरजेंगी दीवारें न्यूज नेशन की, सदाए हक ने यानी इस्लाम ने, सदाए हक ने दुनिया में डंका बजा रखा है, पिनाज तुमने भला ये क्या हाल बना रखा है, गले में तुमने तौके लानत सजा रखा है, हिंदू होते हुए उठाओगी इस्लाम पर उंगलियां, गोया शीशे के घर में तुमने पत्थर उठा रखा है। क्या कहने भाई अली भाई, चस दे दिया आज आपने, वाह वाह, मेरे तो मजा आ गया भाई, क्या कहने आपके, क्या कहने भाई। अब हम छोड़ देते हैं लिंक को स्टूडियो में और देखते हैं कौन कौन पकड़ता है ये। जी अली भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी जबरदस्ती, मैं तो चाहता था कि एक दफा फिर दोबारा से ये आ जाए, दोबारा एक रिपीट हो जाए, लेकिन चलिए टाइम हम बचाते हुए ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अकेले में लगाई जाए, थोड़ा सा एंजॉय भी कराया जाए। जी 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 बिल्कुल, क्यों नहीं जी, लिंक हम शेयर करने वाले हैं, तो फिर एज सून एज हम लोगों को लेते हैं। तो माशाल्लाह जी क्या हाल बना रखा है पिनाज त्यागी, झूठों को ले लेके अपनी दुकान को सजा रखा है पिनाज त्यागी, ये तूने क्या कर रखा है, वाह 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 वाह। सर क्या था, जूतों के है वो काबिल, ये जूतों के थे काबिल रखा है, ऐसे भी ये जूतों के थे काबिल, तुमने सर पे सजा रखा है, ये भी कहा जा सकता है, सजा रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सनद बना सर, क्या बात है, क्या क्या